के मुख्यमंत्री तथा भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के आकस्मिक निधन होने पर सोमवार को महापौर सीताराम जायसवाल ने महानगर वासियों और पार्षदगणों की तरफ से शोक व्यक्त किया। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए और शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर जी का देहांत स्वच्छ राजनीति में भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मनोहर पारिकर जी ने गोवा को आधुनिक ढंग से विकसित किया है, आज दुनिया में गोवा की पहचान बनाई है और आज गोवा कि जो भी देन है उसको विश्व स्तर पर स्थापित करने का वो हमारे पारिकर जी की है और उन्होंने किया भी है। सभी जानते हैं गोवा के मुख्यमंत्री जी ईमानदारी, कर्मठता, सादगी का एक उदाहरण है भारतीय राजनीति में। पारिकर जी ने रक्षा मंत्री रहते हुए देश के लिए दो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। एक तो उन्होंने उनके समय में आतंकवाद पर एक सर्जिकल स्ट्राइक करके दुनिया को अचंभित किया था और दूसरे आधुनिक विमान की खरीद जो पिछली सरकार से पेंडिंग चला आ रहा था उसको पूरी पारदर्शिता के साथ स्वीकृति प्रदान की और उसे खरीदा भी। उस विमान से हमारे देश की पूरी तरह से सुरक्षा होगी। आज के दिन मैं गोरखपुर वासियों की तरफ से मोहन पारिकर जी को उनके कार्यों के लिए उन्हें सम्मान और अपनी संवेदना दोनों ही प्रकट करता हूँ। मनोहर पारिकर जी आज हमारे बीच नहीं है, पूरा देश इस पीड़ा से ग्रसित है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, योगी आदित्यनाथ जी भी वहाँ गए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं भी अपने तरफ से और गोरखपुर वासियों की तरफ से, सभी पार्षदों की तरफ से, सभापति की तरफ से अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ।